हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी को सपा जिला अध्यक्ष का सौंपा ज्ञापन। पुलिस की निष्क्रिय कार्य प्रणाली पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। संभल जिले के थाना रजपुरा के गांव भीकनपुर जैनी में गोली मारकर युवक की हत्या करने के एक सप्ताह बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मृतक के परिवारजन सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खां के आवास पर पहुंचे और आरोपियों को दबंग बताते हुए पुलिस की निष्क्रिय कार्य प्रणाली से आहत होकर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और इस प्रकरण में कुछ पत्रकार भी सहयोग आरोपी वेद वसु का कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, उनकी जांच कर कार्यवाही की जाए। परिजनों का आरोप है कि दबंग गांव में उन्हें रिपोर्ट वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। किमपुर जैनी रजपुरा थाने से आया हूं मैं। यहां क्या नाम है इनका, श्री फिरोज खां के पास अपनी कुछ घटना लेकर के मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है और जो वेद वसु आर और जयशंकर आर जो हैं पुलजी में दोनों और तीन को पकड़ के जेल भेज दिया है। असली मुलजिम जो दोनों जी हैं इनको अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। एक सप्ताह हो गया, मुझे बार बार मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे परिवार को नष्ट करने की धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है आपको धमकी? अगर साहब इनके ही लोग दे रहे हैं और जो इनके 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 साथ का जो है वेद के साथ का जो पत्रकार है उसे तो मैं जानता भी हूँ। क्या नाम है? उसका नाम है सद्दाम। अच्छा। और जो उसका ससुरा के पास में उसका गांव है, गांव का नाम भूल रहा हूँ। वो क्या कह रहा आप? बार बार इसी की सपोर्ट दे रहा है साहब, इसी के फेवर में निकाल रहा है जो निकाल रहा है साहब पेपर में। हमारा कोई उससे झगड़ा भी तो नहीं था। वो कह रहा है चुनावी रंजिश को लेकर, ये कुछ नहीं था, उनकी सपोर्ट के लिए कर रहा है वो और इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने की कोशिश करें। मेरी यही है सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के। लगभग एक सप्ताह हो गया भीकमपुर जैनी विधानसभा क्षेत्र गिन्नौर जनपद संभल का मामला था और धर्मपाल नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी। सरदानी की रंजीश भी है लेकिन लोग उससे आठ मानते थे। लेकिन मुख्य बात यह है इसमें वेद बसु नाम का व्यक्ति जो बाबा रामदेव जी का संगठन का महासचिव भी है उत्तराखंड से, उसका इसमें पूरा हाथ है। मौके पे उसको भागता बताया है और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं संरक्षण भारतीय जनता पार्टी को उसको मिला है। तो जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। परिवार हमारे पास आया है, मृतक के भाई ने आज ये गुहार लगाई है और मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पूरा घटनाक्रम से उनको अवगत करा रहा हूँ। पहले से अवगत कराया था लेकिन आज लोग जिला कार्यालय पर आए हैं, पूरी मदद होगी और पुलिस से लेकर सारे लोगों से हम बात करेंगे। जल्दी से जल्द गिरफ्तारी हो और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करा।